ऐसा व्यक्ति तथ्यों को छुपा सकता है जिससे इतना सातिर है। हाँ, जो सब कुछ नहीं, प्यार से बहुत कुछ बदला जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं बदला जा सकता। जैसे मैंने पहले कहा स्वार्थ, वो उस हर चीज में उनको सिर्फ अपनी लॉजिक दिखती है। दूसरा, उनके रिश्ते या तो बिल्कुल कोल्ड इंडिफरेंट होते हैं या बहुत वेरी करते हैं, मैनिपुलेटिव। एक ही दो दिन में अगर आप अपने पार्टनर में दो या चार अलग अलग मूड देखते हो तो समझ जाना जरूरी है। अगर अगर हिंसा है, फिजिकल वायलेंस का एविडेंस है कि ये बुनियादी रूप से ऐसे हैं जो सुधर नहीं सकते, इनको कंट्रोल किया जा सकता है या इनसे दूरी बनाई जा सकती है सुरक्षित रहने के लिए, ग्लानी हो, ये ऐसे व्यक्तियों में बिल्कुल नहीं होती। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि गलत किसी का मर्डर कर दिया और महसूस ही नहीं हो। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, आफताब आमीन पुणे वाले का पॉलीग्राफ हो रहा है, नार्को टेस्ट होना है। किस तरह से नार्को और पॉलीग्राफ के जरिए अपराधी की मानसिकता को पढ़ा जाता है, छुपे हुए अपराध की सच्चाई बाहर निकाली जाती है, और इस तरह के लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है और क्या भविष्य में इनका भविष्य रहता है, इन तमाम पहलुओं पर डिस्कस करने के लिए आज मैं आया हूं डॉक्टर निमेश देसाई जी के पास। देश के बहुत ही जाने माने और बड़े साइकेट्रिस्ट है, कई सरकारी संस्थाओं को हेड किया है, कई पॉलीग्राफी और जो दूसरे तमाम जो साइकोलॉजी के टेस्ट हैं उनके साक्षी रहे, कई बड़े अपराधियों को देखा है, नार्को टेस्ट कई इनके अंडर में हुए। अब ये तमाम पहलू मैं सर से जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इन टेस्टों की साइंटिफिक वैल्यू है और किस तरह से ये काम करते हैं। सर, पहला सवाल यही है कि आपने तो कई अपराधियों के इस तरह से पॉलीग्राफ और नार्को किए हैं, तो पहले तो ये टेस्ट किस तरह से काम करते हैं, बेसिक सवाल। बुनियादी बात तो ये है कि पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट मेडिकल प्रोसीजर है, जो ब्रेन और माइंड का हमारा यूनिट है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के तथ्य छुपा रहा हो या कुछ चीजें रिवील न करना चाह रहा हो तो उस सप्रेशन को हटा के, उस सप्रेशन को कम करके तथ्य मालूम किए जा सकते हैं नार्को टेस्ट से। जो रासायनिक पदार्थ दिया जाएगा इंजेक्शन में, वो बेसिकली वही पदार्थ है जो बेहोशी के लिए दिया जाता है जनरली ऑपरेशन के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कही। तो बेहोशी करने के लिए जो एनेस्थेशिया का प्रोसीजर होता है वही यहाँ फॉलो होता है। तो सारे मेडिकल असेसमेंट्स होंगे, डॉक्टर की निगरानी में जो पुलिसकर्मी और क्रिमिनल साइकोलॉजी से तीनों टीम वहां रहेगी। पॉलीग्राफ उससे पहला चरण है। पॉलीग्राफ है कि व्यक्ति कितना सच या झूठ बोल रहा है वो फिजियोलॉजिकल बॉडी इंडिकेटर से पता चल सकता है। तो पॉलीग्राफ में तथ्य सामने नहीं आएंगे। अच्छा, उसका झूठ और सच समझ में आएगा कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट में, इस पॉलीग्राफ में भी ये जो पुलिस सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि ये झूठ, कई सवालों पर इसने झूठ बोले। हाँ। क्योंकि जो बॉडी पैरामीटर्स हैं उसने बीप किया और बताया, यानी इस करीब 60 सवाल पूछे गए हैं कल और परसों के जो है, तो उसमें जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं अंदर के, वो कह रहे हैं कि इसने झूठ बोला है। तो जो मैनिपुलेशन है, जो झूठ का सहारा लेना या तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना, वो अगर व्यक्ति कर रहा है तो वो पॉलीग्राफ से पता चलेगा। तथ्य जो कंटेंट है, अगर अगर पुलिस को शक शुबा है कि भाई ये फला तथ्य छुपा रहा है, तो वो नार्को एनालिसिस से बाहर आ सकता है। ओके, मतलब पॉलीग्राफ से पता चलेगा कि इस तथ्य पे ये हिचकता है, इस तथ्य पर ये झूठ बोलता है, लेकिन सच्चाई क्या है वो नार्को से आएगी। हाँ, और नार्को एनालिसिस जिसको कहते हैं दो प्रकार से यूज होता है। हमारी साइकियाट्री प्रैक्टिस में भी यूज होता है मानसिक रोगियों की मदद करने के लिए। वहां मकसद अलग है, यहां मकसद है हम सिर्फ तथ्य मालूम कर रहे हैं। एक मुद्दा है, एक पहलू मानव अधिकारों का भी हो जाता है। जो मानव अधिकार की सोच है उसमें ये भी ऑब्जेक्शन रहती है कि आपको या मुझे, किसी भी व्यक्ति को अगर रासायनिक पदार्थ डाल के हमारे शरीर में हमसे कुछ बात उगलवाई जाए तो क्या वो मेरे साथ इंसाफी है या नहीं है। तो एक मानवाधिकार एंगल भी है, इसलिए पहले उनकी स्वीकृति लेना होता है कोर्ट में। अच्छा, जो ये भी है कि 100% जरूरी नहीं है कि वो सची निकलेगी बात। अच्छा, कई बार जो व्यक्ति की फैंटेसी में हो या थोड़ा सा थोड़ा झूठ, ये भी निकलेगा। इसलिए कानूनी रूप से इसको एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा। पुलिस को सिर्फ मदद मिलती है कि अगर हमें ये तीन दिशा निर्देश थे तो हमें दो तीन और दिशा मिल गई कि शायद इसने ये किया। पुलिस को तथ्य जुटाने में, सबूत जुटाने में, या उन लोगों तक पहुंचने में जो उनके अनकंशियस माइंड में है, जो बताना नहीं चाह रहा, उन तक पहुंचने में मदद मिलती है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस के रूप में, कानूनी एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा।
और ये मुनासिब है। सदियों से दशकों से बहुत सारे देशों में ये विवाद चल रहा है, अब ये सेटल हो गया है कि भाई इसको एक मतलब टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एग्जैक्टली टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन सकता है, नॉट ए प्रूफ, एग्जैक्टली परफेक्ट। अच्छा ये तो समझ, नार्को टेस्ट मतलब इसका तरीका क्या है? जैसे पॉलीग्राम में बताया गया कि एक क्वेश्चन को 10वें लेवल पर फिर से पूछा जाता है, फिर 21वें लेवल पर पूछा, नार्को टेस्ट में किस तरह से होता है, नार्को का क्या है? जो जो पदार्थ है थायोपेंटोन या थायोपेंटल सोडियम, उसको कहते भी थे ट्रूथ सीरम या सत्य का घोल। ये थोड़ा सा शब्द प्रयोग मुनासिब है नहीं, क्योंकि सत्य का घोल नहीं है ये, सत्य तो कुछ घोल तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, लेकिन तो क्योंकि टर्म है, हाँ टर्म है, एक चल पड़ा है बड़े सालों से। तो उसमें पहले जैसे आपने हमने दोनों कहा, पहले मेडिकल असेसमेंट होगा, अगर उस व्यक्ति का बॉडी सिस्टम एनेस्थेसिया को उस पदार्थ को टॉलरेट करने की स्थिति में है, तो जैसे ऑपरेशन से पहले होता है चेक किया जाएगा, हाँ वो पूरा प्री एनेस्थेसिया चेक होगा, उसके बाद मेडिकल मॉनिटरिंग में वो पदार्थ दिया जाएगा धीरे धीरे। और सबसे महत्व की बात यह है कि अक्सर जो इनिबिशंस है, सप्रेशन है, वो दूर हो जाते हैं जब उस ड्रग का लेवल कम होने लगता है, तो जो कर्व है दवाई का वो ऊपर जाता है, टॉप रहता है, जब वो दवाई का कम होने लगता है तो मेरी इनिबिशंस कम होने लगती है। तो साइकोलॉजिस्ट और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दोनों होंगे उनको बड़े टैक्टफुली शायद वो सवाल पूछने हैं दो चार बार अलग अलग समय पे। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से तथ्यों को दबा सकता है, ये भी बड़ी बात है, ये संभव कि वो बेहोशी की हालत में भी और ऐसी अवस्था में भी अपने जो राज छुपा ले। तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं यू नो, तो भाई टॉर्चर या थायोपेंटोन जैसे कितने असर होंगे ये तो व्यक्ति के ऊपर है। यहाँ थोड़ा मुद्दा बदले, जो आपने हमने बात भी की, जितनी जानकारी हमारे पास अभी है पब्लिक डोमेन में, लगता है कि इस व्यक्ति का पर्सनालिटी प्रोफाइल तो साइकोपैथिक क्रिमिनल पर्सनालिटी प्रोफाइल है, इसमें कोई एज एक्सपर्ट आप मानते हैं कोई शक नहीं हो सकता, बहुत सारे सबूत हैं, इंडिकेशंस हैं, हालांकि हमने व्यक्ति को खुद एसेस नहीं किया, लेकिन इनफ एविडेंस जो समाचार माध्यमों से आ रहे हैं उसे। महत्व की बात यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति तथ्यों को छुपा सकता है जिससे इतना सातिर है, जो जो कॉन्शियस अवस्था में मिसलीड कर रहा है वो शायद थोड़ी अनकॉन्शियस अवस्था में भी मिसलीड करता रहे, ये असंभव नहीं है, क्योंकि 6 महीने से लगातार मुझे लगता है ये प्रैक्टिस कर रहा हुआ कि पता था कि कभी ना कभी कोई बात होगी। महत्व की बात ये भी है, इस पर्सनालिटी को समझें, इसी पर्सनालिटी में सबसे दो तीन खासियतें जो होती वो ये है कि अपनी मनमानी करनी है, दूसरों की फ्रीडम या दूसरों की भलाई ऐसे व्यक्ति को मायने नहीं रखती, जैसे उनकी पर्सनालिटी, दूसरों की इच्छाएं उसके लिए उसे मायने नहीं रखती। ये सर जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस तरह की जो साइकोलॉजी होती है, इस तरह की पर्सनालिटी यानी इस तरह के व्यक्तित्व की किस तरह की साइकोलॉजी होती है। बिल्कुल सर, एक दूसरा स्वार्थ, अच्छा उस स्वार्थ को अपना स्वार्थ निभाना है, दूसरों का भला हो बुरा हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा मैनिपुलेशन, जो हम इनफ देख रहे हैं, और चौथी बात ग्लानी की, गिल्ट की बिल्कुल पूरी तरह से कमी। ऐसे भी लोग हैं, हम सबको होता है, हम सबको होता है, हम जब कोई छोटा मोटा गलत काम करते हैं या कोई हमें कह देता है हमसे कुछ गलत होता है तो काम गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना। वो जो भावना है ग्लानी की भावना, गिल्ट, क्योंकि समाज अलग कहता है मुझसे कुछ अलग हो गया इसे मुझे ग्लानी हो, ये ऐसे व्यक्तियों में बिल्कुल नहीं होती। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि गलत किसी का मर्डर कर दिया और महसूस ही नहीं हो। हाँ जी, बदनसीबी की सच्चाई ये है कि सदियों से ऐसे केस पाए गए, ये है कि अब आप सब लोग मीडिया के इतने एक्टिव हो गए हो, समाज की उत्सुकता बढ़ गई है तो ये सामने आ रहा है, लेकिन ये हर समाज में हर संस्कृति के लोग पाए गए। देखो इस मामले में आप देखेंगे जब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने गए तो फोटोग्राफ सामने आए, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो हाथ बांधे खड़ा है, आराम से खड़ा है, उसके चेहरे पर बॉडी लैंग्वेज अगर आप समझेंगे देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल है। लेकिन एक बात और कहूं, ये जो पर्सनालिटी प्रोफाइल है साइकोपैथिक, इसमें एक्सेस हो जाता है, सिर्फ इतनी सी बात है। अगेन ये बात समझे, हम सबके आम जीवन में लव हेट्रेड बन जाना, प्यार मोहब्बत की जगह नफरत आ जाना, ये कोई
घृणा हो जाना असाधारण बात नहीं है। लेकिन सर इतनी घृणा तो मुझे तो नहीं लगता किसी को। जो मात्रा है घृणा की और जो कोल्ड इनडिफरेंट एक्शंस है वो फर्क है। नॉर्मल में हमें भी ऐसे हो सकता है भाई, दो भाइयों में, हस्बैंड वाइफ में, रेगुलर होता है, दोस्तों में भाई, एक समय में बहुत अच्छी बनती थी, फिर कुछ नेगेटिव हो गई तो एक दूसरे के बारे में गलतफहमी हो गई, थोड़ी नफरत भी हुई, घृणा हुई, लेकिन जैसे आपने सही कहा इस मात्रा में और इस हद तक व्यक्ति करे ये असाधारण है। तो आप इस अगर पर्सनलिटी की बात करें आफ्ताब को, जो आपने अपने मानकों पर देखा, इसको जो देखा है कि ये किस तरह की, जिस तरह से करा कि इट्स वाज द हीट ऑफ मोमेंट, यानी मैंने गुस्से में आकर मार दिया, क्या ये सही है? हीट ऑफ द मोमेंट मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जैसा वो हमें सामने आ रहा है दो चार साल से इनके रिश्तों में हमेशा ये होता रहा है, ड्रग अब्यूज भी रहा है, उस व्यक्ति को धमकाना, उसे मैनिपुलेट करके अपने पास रखना, ये भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि साइकोपैथिक पर्सनालिटी जो ये है, लगातार जो लेटर उस लड़की का आया है जिसमें उसने साफ लिखा है 2020 में नवंबर 24 को कि ये मुझे काटकर फेंक देने की धमकी देता है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझे पुलिस तक भी जाने में डर लगता है और ये मेरी जान के लिए बड़ा खतरा है। यही होता है, बदनसीबी से ये होता है। हम एक पहलू और भूल गए बात करना, ये जो साइकोपैथिक पर्सनालिटी होती है ये बदनसीबी की सच्चाई ये है कि ये अक्सर सामाजिक इंटरेक्शन में बहुत प्लेजेंट और लाइकेबल होते हैं। जी फिर से बताइए। मैनिपुलेशन इस हद तक होता है कि उस व्यक्ति के दिमाग में जद्दोजहद चल रही है हैवानियत की, बुनियादी रूप से कुछ शैतानियत सोच है, लेकिन बाहरी रूप से व्यक्ति बहुत प्लेजेंट और लाइकेबल होता है। अच्छा, लोगों के बीच बहुत ही फेमस होता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लोग उसको पसंद करते हैं और वो फेवरेबल कंडीशन पैदा कर लेता अपने पास। राइट, तो इस कारण जैसे ये लड़की रही बेचारी, एक बार जो भी रिश्ता बन गया, अच्छा रिश्ता बनने के बाद आमतौर पर दो फैक्टर्स है, एक तो ये है कि जो व्यक्ति साइकोपैथिक है वो दूसरे व्यक्ति को हमेशा अपने जाल में फंसाए रखता है इमोशनल ब्लैकमेल में, दूसरा वो कैसे करता है, वो ये होता है कभी कभी दिखावे के लिए माफी मांग ली, कभी और प्यार कर लिया, तो वो जो दूसरा व्यक्ति वो भी ये सोचता है कि शायद ये सुधर जाएगा, शायद बदल जाएगा। देखिए इसमें और बात करें साधारण जीवन की, हम सबके साथ ये होता है, अगर व्यक्ति ए और बी, अगर ए व्यक्ति शैतान है तो बी चाहे उसको जितना भी प्यार दे दे, जितना भी भला कर दे, उसकी बुनियादी शख्सियत तो नहीं बदलनी है। दूसरा पहलू जरूर रहता है, हर समाज में, हमारे समाज में ज्यादा अभी भी है पुरुष प्रधान समाज है, तो किसी लड़की को, महिला को अभी भी झिझक रहती है, हालांकि बहुत प्रोग्रेस हो चुका है लेकिन अभी भी झिझक रहती है बाहर आके बात करने से। बल्कि सच कहूं शुरू के दिनों में, पहले हफ्ते में मैं ये कहता रहा कि भाई इस लड़की ने शायद ऑफिशियली कंप्लेंट की होती तो ये बच जाती, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि कंप्लेंट हुई थी लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हुआ। अच्छा उसमें भी फेयरनेस की बात करें, पुलिस के कर्मी जो कह रहे हैं बॉम्बे के वो भी सही है, अगर घरेलू हिंसा का जो कानून है उसमें भी यही है कि अगर सुलह हो जाए, अगर व्यक्ति 25 तारीख को कंप्लेंट करे और 30 तारीख को आके कहे नहीं जी हमने बात कर ली, तो केस बंद हो जाता है टेम्परेरीली, तो वो मुद्दा भी सही है। ये मुश्किल ये है कि जो कभी कभार घरेलू हिंसा होती हो वो एक प्रकार का केस है, जो रेगुलर रूप पे घरेलू हिंसा होती हो एक केस है, दूसरा उस व्यक्ति की जो पूरी पर्सनालिटी है, ड्रग अब्यूज, ड्रग पेडलिंग, घरेलू हिंसा, वो सारे पहलू एक पर्सनालिटी बन, कंटिन्यूटी थी उसी, हिंसा की एक इतिहास रहा उसका। ये भी हकीकत है कि बहुत सारे व्यक्ति साइकोपैथिक पर्सनालिटी वाले समाज में कभी सामने भी नहीं आते, वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, जीवन पूरा गुजर जाता है, उनमें से 10 में से एक आधे में ऐसा के जब केस हो जाए तभी सामने आते हैं, तो हम सबको सावधान रहना जरूरी है। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, और क्योंकि अब एक एक्सपर्ट रहे, लंबा जीवन आपने दिया है, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा, समाज की अगर बात करें, क्या हम बता सकते हैं समाज में कितने परसेंट लोग इस तरह के होंगे जो साइकोपैथ, यानी साइकोपैथ का मतलब है मानसिक रूप से बीमार? नहीं, यहाँ एक बहुत महत्व की बात करना चाहूंगा मैं, जो मानसिक बीमारी है स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, ओसीडी, उसको मैं अलग करना चाहूंगा, क्योंकि बल्कि अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, अक्सर आपके जैसे हमारे मीडिया के साथी अनजाने में ये दोनों मिक्स कर देते हैं कि मानसिक बीमार है और ये वही है। मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, मानसिक बीमारी होती है
नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद और इलाज संभव है, व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है जो रासायनिक पदार्थ ब्रेन में बदले उसके कारण ऐसा वो किसी को भी हो सकता है। हाँ, आप में से हम में से किसी को भी, जैसे हम जानते हैं अगर रासायनिक पदार्थ इम्बेलेंस होंगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है ना जी। और जो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी है वो बुनियादी रूप से उसकी शख्सियत ही ऐसी है बचपन से या किशोरावस्था से। ओके, तो इनका इनका भी इलाज संभव है? इनका इलाज नहीं संभव है। और एक और बात करना चाहूंगा, देखिए तीन समूह हम गिन ले, मानसिक बीमारियां जो मनोचिकित्सा से इलाज हो सकता है, मन बुद्धित्व या जो मेंटल रिटार्डेशन कहते थे जो अब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कमजोर बुद्धि के लोग आपकी आंख अगर कम है तो वो दिव्यांग स्थिति हुई, वहां पुनर्वास संभव है। उन दोनों ग्रुप में समाज की तरफ से सहानुभूति और मदद मिलनी चाहिए। तीसरा जो ग्रुप है ये साइकोपैथिक पर्सनालिटी प्रोफाइल है, वो ग्रुप ही अलग है, उनको हम मेंटल हेल्थ वाले अकेले भी नहीं डील कर सकते और न इलाज पुनर्वास संभव है मोस्टली। तो पुलिस, क्रिमिनोलॉजी, समाज और मनोविज्ञान मिलके उनको कंट्रोल में रख सके कि समाज पे नेगेटिव असर कम हो। तो मेरा मुद्दा ये रहता है कि अक्सर जब मीडिया में, प्रिंट में, ऑडियो विजुअल में बात आ जाती है ना, मेंटल पेशेंट है, साइको है, तो मानसिक रोगियों की तरफ जो थोड़ा थोड़ा समाज का विचार बदल रहा है वो फिर नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम कि जो ये साइकोपैथिक पर्सनालिटी है ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये बुनियादी जेनेटिकल डिसऑर्डर आप अगर कहें कि ये बुनियादी रूप से ऐसे हैं जो सुधर नहीं सकते, इनको कंट्रोल किया जा सकता है या इनसे दूरी बनाई जा सकती है सुरक्षित रहने के लिए। मेरे सवाल जो था, पता नहीं मेरे सवाल ठीक है कि नहीं ठीक है, कि ऐसे कितने लोग होंगे सर अगर समाज के फलक पर बात करें, कुछ कह सकते हैं इस बारे में? हाँ, देखिए मानसिक बीमारियों की तादाद है इंडिया में करीब अभी भी 10-12% सिर्फ, तो दस में से एक बीमार है, मानसिक बीमार है। ये जो साइकोपैथिक क्रिमिनल प्रोफाइल है ये कुछ हद तक जेनेटिक है, काफी हद तक जैसे आपने कहा, लेकिन समाज जैसे बदलता है इनकी तादाद घटती बढ़ती है। तो अगर आप गौर करें, हमारे दर्शक सोचें, अमेरिका में भी पिछले 50-60-100 साल में इनकी तादाद बढ़ी है और इसीलिए हम वहाँ केसेस अब ज्यादा देखते हैं। दक्षिण एशिया के समाज में एक अंदेशा ये है कि जैसे समाज और पाश्चात्यकरण की तरफ जा रहा है, संभव है हमारे यहाँ भी ये चीजें बढ़ेंगी जो अब तक कंट्रोल में थी। तो आने वाले दशकों में ऐसा साइकोपैथिक क्रिमिनल बिहेवियर हमें और ज्यादा देखने को मिले यह संभव कतई नहीं है। इस देखिए आपके मतलब जितना अर्बनलाइज हो रहे हैं समाज, जितना एजुकेटेड हो रहा है, इस तरह के ज्यादा अलगाववाद, आइसोलेशन। वो क्या था कि अगर हम थोड़ा सा स्पेकुलेशन करें वैज्ञानिक रूप से, ज्वाइंट फैमिली में और गाँव में, कस्बों में, उस सोशल सिस्टम के कारण अगर ऐसे व्यक्ति थे भी तो कंट्रोल में रहते थे उनका बर्ताव। उनके ऊपर अभी हो गया कि बेलगाम हो गए, बेलगाम। इसके पीछे ये कि कानून का आप थर्ड डिग्री प्रयोग पुलिस भी नहीं कर सकती। गांव में जो है प्रधान सबको टाइट करके रखता था, या पिताजी का रोब इतना होता था कि नाराजगी नहीं कर सकते। ये जो 21वीं सदी में व्यक्ति विशेष अधिकार, ऑटोनॉमी का चलन प्रचलन है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो इंडिविजुअल का महत्व हो गया है उसका नेगेटिव स्वरूप ये है। एक दूसरा अगर मैं कहूँ तो धार्मिकता भी लोगों के में कम हो गई, जो आध्यात्मिक वो कम हो गया। तो सामाजिक आध्यात्मिक वाले का डर जो है, ऊपर वाले का कर्मों का फल का मामला जो है ना, उसका डर कहीं आदमी को विमुक्त करा कि कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं देखने वाला, तुम्हारा प्लेजर तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ चाहे वो करो, दूसरे का कोई मतलब। मैं अक्सर याद करता हूँ पूरी इज्जत के साथ, वो जो भी आर्टिस्ट रहे, अगर हम लोग सब याद करें, सबसे पहला रैप सॉन्ग जो आया था वर्तमान समय में इंडिया में, अगर आप याद करें 80 के दशक में, मेरी मर्जी। तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो जैसे आप कह रहे हैं ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये हकीकत है कि पहले शायद हमारा समाज बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड था, सप्रेस था, वो भी एक एक्सट्रीम था, वहां से थोड़ा बदलाव आना जरूरी था कि भाई व्यक्ति विशेष को अपनी च्वाइस मिले, अपनी अपनी इच्छा शक्ति, चाहे डॉक्टर बने ना बने, क्रिकेटर बन जाए, लेकिन वो जो है वो पेंडुलम थोड़ा स्विंग हो जाता है दूसरी तरफ, धार्मिकता ज्यादा भी धर्मंधता की तरफ जाएंगे तो भी बीमार होंगे, विमुख होंगे तो आप खतरा हो जाएंगे। बुनियादी समस्या रहती है इंसानियत वर्सेस शैतानियत की। तो जो इंसानियत है वो अगर थोड़ी कम हो जाए, खासकर सब में नहीं, उन व्यक्तियों में जिनको ये जेनेटिक टेंडेंसी है, महत्व की बात यह है। पिताजी से बेटे में जाती है इस तरह के रोग जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। अगर हम याद करें, बहुत समय पहले एक था फेमस केस चार्ल्स शोबराज,
तो चाल शोभरा बाकी ये जो बहुत सारे व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं उन सब में साइकोलॉजिकली साइकोपैथिक पर्सनालिटी प्रोफाइल निकलेगी। एक बार फिर कह दें, मुद्दा ये है कि मेरा इंडिविजुअल लॉजिक ज्यादा मायने रखता है, सामाजिक लॉजिक की मुझे फिक्र नहीं है। मैं जो सोचता हूँ या जो मैं चाहता हूँ वही सच है, मैं जो देखता हूँ वही सच है। अच्छा, बहस बहुत लंबी होगी लेकिन अब इस केस तक सीमित रहते, ये जो लड़कियां, अगर लड़कियों के ऊपर भी बात करना है, साइकोलॉजी ऑफ गर्ल किस तरह की, ये लड़की पता था कि ये लड़का तुम्हें मार देगा लेकिन इसको नहीं छोड़ रही थी। पुरुष या महिला, युवक हो या युवती हो, दोनों को ऐसे व्यक्तियों से संभल के सावधान रह के बचना जरूरी है। ये और भी क्लियर कर ले, पुरुष प्रधान समाज रहा है, घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा पुरुषों की तरफ से रही है स्त्री की तरफ, इसमें कोई शंका नहीं है, यस ये सच्चाई है। तो महिलाओं को प्रोटेक्शन की और जरूरत है, लेकिन ये भी हकीकत है कुछ महिलाएं भी साइकोपैथिक पर्सनैलिटी मिल जाती है। तो मेरा जो मुद्दा है कि युवक या युवती, मर्द या औरत, दोनों को ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना और अपना अपनी सुरक्षा कब बच के, अब लवर्स लव बर्ड्स जो होते हैं, जो उम्र होती है जरा 15 से 25 वाली, वो तूफान की अवस्था होती है, दिखता नहीं है कुछ, दिखता है तो उसको समझते नहीं है लोग, ऐसे अवस्था में कब किस तरह से किस मानकों पर फलक करेगी आदमी ठीक नहीं है, लड़का हो या लड़की। देखिए पहले चाटे पर, पहली गाली पर कि या पहले अटेम्प्ट मर्डर पर, सही पूछ रहे हैं आप। पहले के वक्त में होता था कि अगर अगर रिश्ते बनते भी थे तो जो एक्सटेंडेड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, वो नजर रखती थी। अब वो तो कम हो रहा है, सब अपना अपना जीवन जीना चाहते हैं। सर आप तो, छोड़ शादी बिना चल रहा है मामला अलग, बिना पेरेंट के अब फ्लैट लिया और शुरू। तो अब महत्व ये है कि जैसे इस केस में भी हमें अब मालूम पड़ रहा है, मित्रों की सुने, जहां मदद संभव है वहां से मदद लें, अनौपचारिक या औपचारिक, टोटल आइसोलेशन हो जाना है व्यक्ति विशेष का या किसी कपल का बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ये हम सच पूछे तो पाश्चात्य देशों से सीख भी चुके हैं। अमेरिका जैसे देश में, समाज में अगर मानसिक बीमारियां ज्यादा है तो उसका एक कारण ये है, जैसे मैंने पहले कहा, भारतवर्ष में मानसिक बीमारी जो है, डिप्रेशन, ओसीडी, उसकी तादाद 10-12% अभी है, विश्व भर में वो आंकड़ा 25% का है। बताइए, एक चौथाई आबादी, अमेरिका में 50% है, अमेरिका में 50% अमेरिकी जो है डिप्रेशन में, डिप्रेशन कुछ ना कुछ मानसिक बीमारी। तो जैसे समाज बदलता है, जैसे सोशल आइसोलेशन होता है, व्यक्ति व्यक्ति अपने आप में रहने लगता है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। तो एक बार फिर कहें, दक्षिण एशियाई समाजों में और अफ्रीका एशिया में शायद जॉइंट फैमिली और सोसाइटी का वर्चस्व कुछ ज्यादा ही था, लेकिन उसको थोड़ा ठीक करना जरूरी था और है कि दोनों समन्वय बना रहे, समाज का और फैमिली का दबाव रहे और मैं अपनी मनमानी भी कर सकूं। लेकिन जब वो अगर पेंडुलम बहुत ज्यादा स्विंग हो जाता है तो यही असर नुकसान हो जाता है। नहीं, वही था, ये जो कब महसूस, इस तरह के जो साइकोपैथ व्यक्ति है, इनको कैसे कैसे देखे कि ये साइकोपैथ है? सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे व्यक्तियों का, जैसे मैंने पहले कहा, स्वार्थ, वो हर चीज में उनको सिर्फ अपनी लॉजिक दिखती है। दूसरा, उनके रिश्ते या तो बिल्कुल कोल्ड इंडिफरेंट होते हैं या बहुत वेरी करते हैं, मैनिपुलेटिव। एक ही दो दिन में अगर आप अपने पार्टनर में 2 या 4 अलग अलग मूड देखते हो तो संभल जाना जरूरी है। अगर अगर हिंसा है, फिजिकल वायलेंस का एविडेंस है, और इस हद तक जो बहुत सारे सामाजिक कारण है घरेलू हिंसा के, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो बहुत अच्छा कानून है, जितना भी अमल हो रहा है और होगा, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानून ऐसे व्यक्तियों को पहचानने में भी मदद कर सकते हैं कि जैसे इस व्यक्ति के साथ हो रहा था, बच्ची के साथ, अगर 5-10-25 बार ऐसा हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपना व्यक्तित्व उभरने दें, पहचानें कि यहाँ कहीं बुनियादी समझ, जैसे हमने पहले कहा। देखिए, पूरी 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 संजीदगी से कहूँ और पूरी इज्जत के साथ कहूँ, बहुत सारे विचारक ये कहते हैं और नेक दिल्ली से कहते हैं कि जीवन में सब कुछ प्यार से बदला जा सकता है। माफ कीजिए, वैज्ञानिक रूप से मैं नहीं मानता, प्यार से सब कुछ नहीं, प्यार से बहुत कुछ बदला जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं बदला जा सकता। वो रामचरितमानस में आते हैं, भगवान राम लगातार 3 दिनों तक जो है समुद्र से प्रार्थना करते हैं लेकिन समुद्र पर, तो भयभीत न होत न प्रीत, भयभीत न होत, बिल्कुल सही कहे आपने, करेक्ट।
कई जगह बह होना भी बोलते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना समय देने के लिए, इतना क्लियर करने के लिए चीज़ों को। ये चीज़ें क्लियर हो गई, अगर आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी कम्युनिकेशन था जो आप तक पहुंचाया जाना था। आप समझिए कि आपके साथ रहने वाला पार्टनर किस तरह का बिहेव करता है, उसके बिहेव से ही अगर आप एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसके साथ रहना है कि नहीं रहना। जो आपको मारता पीटता गाली देता है दबोचता है, आप समझ लिए अगले 70 साल क्या इसके साथ रहना है। प्यार एक तरफ है, जिंदगी जीना दूसरी तरफ है, ये बहुत बहुत बात है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से नार्को टेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें आपको दी। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।